ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ रुपीज 8,000 अमाउंट टू रुपीज 9,260 इन 3 1/2 ईयर्स। तो हमें रेट परसेंट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 8,000। तो प्रिंसिपल दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करने से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम पीरियड दिया गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। अब पीए भी लिख सकते हैं या पर एनम फुल भी लिख सकते हैं। टाइम पीरियड इक्वल टू 3 1/2 ईयर्स इक्वल टू 2 3 6 + 1 7, 7/2 ईयर्स। अमाउंट इक्वल टू रुपीज 9,260। तो हमें पता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इंप्लाइज रुपीज 9,260 इक्वल टू रुपीज 8,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट इंप्लाइज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रुपीज 9,260। 8,000 को हम लोग इस साइड में ले आएंगे तो माइनस रुपीज 8,000 हो जाएगा। इंप्लाइज सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रुपीज 1,260। ये सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 इम्प्लाई सिंपल इंटरेस्ट 1,260 है। प्रिंसिपल 8,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड हमारा 7/2 है और नीचे हमारा 100 रहेगा। इम्प्लाइज आर इक्वल टू इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 0 2 0 पहले कैंसिल कर लेते हैं। तो आर इक्वल टू 1,260। 2 को इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय यहाँ 80 और 7 आर के साथ मल्टीप्लाई हो गए हैं। ऑपोजिट साइड में जब जाएगा जब भी गिवन नंबर है उसके साथ डिवाइड हो जाएंगे। तो 0 0 कैंसिल हो गया। 7 1 जो 7, 7 1 जो 7 56, 7 8 जो 56, 2 1 जो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। इम्प्लाइज आर इक्वल टू 9/2% इक्वल टू 4 1/2%। तो 9 / 2, 2 4 जा 8 माइनस करेंगे, 9 - 8 1, तो ये 4 1/2% है। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 4 1/2%। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये इसका फुल सॉल्यूशन है।